आप जब भी केन्या आए ना तो इस जगह को विजिट जरूर कीजिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और इतनी मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको उसका ब्यूटी ही दिखा देती हूँ कि इस जगह में एग्जैक्टली क्या, किस चीज़ के लिए ये फेमस है और क्यों लोग जब भी केन्या आते हैं ये जगह को विजिट जरूर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? श्री स्वामी समर्थ आप सबको, आई होप आप बहुत ही मज़े में होंगे। आज है 1st of Jan और अभी हम जा रहे हैं एक जगह पे घूमने के लिए। मेरे साथ प्रदीप है, प्राजक्ता है, रोहित है और वहाँ पे सागर है, बच्चे हैं और हम जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। पहली बार प्राजक्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करेगी, इतनी नर्वस हो रही है कैसे जाएंगे हम। और आपने देखा मतलब इन लोगों में ना थोड़ी मतलब गड़बड़ चल रही है। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे आए, लेकिन इनकी गड़बड़ क्या चल रही है पता है? हम लोग किस मटाटो में बैठेंगे इसके लिए उनका मारामारी देखिए इस हिसाब से। और हेलो, चलो हाय, गुड। तो आप देख सकते हो इस तरीके की ये मंडाटू है। एमिते की अब तो नो नो व्हाई, ओके आई एम ओके विद इट। मैं जो तो दारू पीला वाला गाइस, के भाई चला गया भाई, तुम ले गए लाइक जगह मेरी बगल हामी जातो आधी तो अभी हम बैठ रहे हैं मटाटू में। दादा इतना शीत भाषा और हम किस जगह जाने वाले हैं? हाँ बसा बसा चला तो अभी हम किस जगह जाने वाले हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसलिए यूज किया क्योंकि हम पूरे ग्रुप में थे और प्राजक्ता को फिर मौका नहीं मिलता पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का। कैसे मटाटू चलती है यहाँ पे, कैसा ये सब होता है ट्रैवलिंग, वो हमने तो देखा है कुछ बार लेकिन इसने कभी नहीं देखा था। तो इसके लिए प्राजक्ता के लिए स्पेशली हम लोग मटाटू से जा रहे हैं और फिर हम वहाँ पे जाके मैं दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या जगह है। इतनी मैजिकल, इतनी फेमस जगह है वो कि मैं वहाँ पे जाके बताऊँगी वो किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, हम खाना खा के निकले हैं लगभग हाँ लगभग मतलब 1:45 हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 1 तारीख है आज, आज हम वहाँ जा रहे हैं। तो बस थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ वहाँ पे, तब तक आप इनका सब देखिए अफ्रीकन से कैसे मारा मारी देखिए। तो अभी ये मटाटो निकल गई है, तो लाइक करो, फॉलो करो, आदि सब्सक्राइब करो, आदित्य करो, देखने से पहले ही करो। One hour later. तो अभी हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जिस जगह पे हमें पहुंचना था। हम सब अभी उतर गए हैं, ये है मटाटू, झुक गए थे। और हम पहुंच गए हैं होम ऑफ चैंपियन। थैंक्स फॉर विजिटिंग होम ऑफ चैंपियन। और इसका नाम है, इस काउंटी का नाम है इटन। तो अभी हम क्रॉस करते हैं और हम मेन रोड पे उतरने के बाद हमें उस तरफ जाना है। हम अभी क्रॉस कर रहे हैं और हमें इस जगह जाना है केरियो व्यू, अ प्लेस टू रिलैक्स। 800 मीटर है यहाँ से, तो यहाँ से हम जाएंगे पैदल और फिर वहाँ का जो नज़ारा है वो इतना मतलब दिल को भा जाता है ना।
अभी पण गोरेच आहोत. तो ये जगह क्यों फेमस है पहले मैं ये बता देती हूँ. इटन में एक एकेडमी है जहाँ पे रनर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और जितने भी वर्ल्ड वाइड एथलीट जो फेमस है, रनर जो फेमस है, वो आपको पता होगा अगर स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत भी, तो सारे रनर्स ये केन्या के विनर रहते हैं. केन्या के रनर हमेशा विनर होते हैं, मैराथन एथलीट तो हमेशा वो लोग विनर होते हैं यहाँ पे. और वर्ल्ड वाइड ये फेमस है क्यों, क्योंकि इन लोगों का जो रनिंग है उसको बीट करना मतलब बहुत ही मतलब डिफिकल्ट बात है. तो केन्या के रनर वर्ल्ड वाइड फेमस है और वो ट्रेनिंग यहाँ पे लेते हैं, मतलब एल्डोरेट के ठीक बाजू में ही इटन इस जगह पे इनका ट्रेनिंग कैंप चलता है. यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स, मतलब जो यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से जितने भी एथलीट हैं उनको पता है कि केन्या के एथलीट से ट्रेनिंग अगर लेते हैं वो तो वो आगे कुछ कर सकते हैं. तो इसलिए वो भी यहाँ पे सालों साल रहते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर अपनी जगह वापस चले जाते हैं. तो बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलता है यहाँ पे. और आजू बाजू में देख सकते हैं ना, यहाँ पे भी बहुत सारे एथलीट रहते हैं. ये सारा एरिया जो है ना, यहाँ पे भी सारे एथलीट रहते हैं. तो और मायरा तो सो गई है देखिए. और दिव्यांश बैग लेके भाग रहा है. मायूला, हाँ, थैंक यू दादा. तो अभी हम पहुंच गए हैं केरियो व्यू इस जगह पे. यहाँ से स्टार्ट है उसका, देखिए यहाँ वो लॉलीपॉप बेच रही है और यहाँ से स्टार्ट है. अभी आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा शायद, लेकिन देखिए इस तरीके से वो न्यू ईयर्स डे पर पर्सन 200 शिलिंग. दोनशे पर पर्सन घेतले, पर पर्सन 5000 झालेले. ओके. अरे हिला उडवायचं होतं ना, पॅराग्लायडिंग प्राजक्त को करना था तो उडा देते उसको हम. और ये जो है ना, ये जितने भी घर बने हैं ये मतलब होटल का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे सारे फॉरेनर्स रहते हैं. जो भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं. बहुत ही एक्सपेंसिव है इसके चार्जेस, लेकिन जैसे कोई फॉरेनर आते हैं तो उनको वो रिजनेबल लगते हैं, तो इसके लिए वो लोग ले लेते हैं वहाँ पे. जगह को विजिट ज़रूर कीजिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये. और इतनी मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको उसका ब्यूटी ही दिखा देती हूँ कि इस जगह में एग्जैक्टली क्या, किस चीज़ के लिए ये फेमस है और क्यों लोग जब भी केन्या आते हैं ये जगह को विज़िट ज़रूर करते हैं. तो एक तो मैंने इसका स्पेशलिटी ये बता दिया कि ये जो जगह है वो एथलीट के लिए फेमस है, वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट यहीं से आते हैं. लेकिन दूसरी मैं चीज़ दिखानी चाहती हूँ कि केरियो व्यू, ये इसको क्यों कहा जाता है. तो मैं देखिए, हाँ, केरियो व्यू नाम से ये एक होटल भी है. वहाँ पे आप खड़े रह के व्यू का आनंद ले सकते हो, वहाँ पे फ़ोटो शूट कर सकते हो
और वहां से आप देख सकते हो ये व्यू। देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है ये। और आप देख सकते हो हवा इतनी तेज चल रही है कि ये पेड़ तो देखो इतने बड़े बड़े पेड़ है लेकिन इतने हिल रहे हैं वो। इतना खूबसूरत है, इतना ज्यादा, मतलब मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। वैसे तो ये लोग नीचे आने वाले हैं, स्टिल मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें। ये सारा रहने का जगह है, यहाँ पे आप रह सकते हो। प्लस कुछ हट्स रखी है जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। अगर आपको वहाँ बैठ के नहीं खाना है तो आप नीचे बैठ के हट्स में खा सकते हो। फिर यहाँ से आप नीचे जाओगे तो आपको कुछ हट्स और दिखेंगी। और कितना नेचुरल रखा है इसको कि देखिए। और बहुत सारे इंडियंस आज है, आज बहुत सारे अफ्रीकन्स है, बहुत सारे लाइक फॉरेनर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये एलिफेंट पूरा का पूरा मेटल से बनाया गया है, देख सकते हो पूरा मेटल का है ये। और ऐसे यहाँ पे उस तरफ जिराफ है और यहाँ पे बहुत बड़ा सा एलिफेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोकोडाइल है। यहाँ पे बैठ बैठ के लोग फोटो निकालते हैं। तो ये ऐसी तीन चार मेटल के एनिमल्स यहाँ पे रखे हैं। और आपको जैसे पता है केन्या मतलब एनिमल्स के लिए ही फेमस है, वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, उसके नेचर के लिए फेमस है। तो आप सब देखिए, आपको पता है ये जो यहाँ तक दिख रहा है ना, ये बॉर्डर तक घर है, लेकिन यहाँ से लेके उस कोने तक बहुत सारा किलोमीटर, आई डोंट नो कितना दूर होगा वो, वहाँ पे एक भी घर नहीं है, कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है। वहाँ पे आप देख सकते हो छोटी छोटी पहाड़ है छोटे छोटे उस तरफ, क्योंकि कैमरा इतना हम जूम नहीं कर पाते हैं। स्टिल मैं देखती हूँ, देखिए इस तरफ पहाड़ है और ये सारा एरिया देखिए यहाँ तक जो है रेजिडेंशियल है इस तरफ, लेकिन वहाँ से आप देख सकते हो पूरा का पूरा एरिया ये खाली है और प्लेन है, वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता, कोई भी नहीं। आप देख सकते हो दूर तक वहाँ तक कोई भी नहीं रहता। तो यही इस केरियो व्यू पॉइंट का मतलब ब्यूटी है। देखिए और क्लाउड्स देखिए, ये विंड देखिए, ऐसे तो खा के आए हैं हम, लेकिन कुछ चिप्स वगैरह ऑर्डर करने वाले हैं क्योंकि चले भी हम बहुत ज़्यादा, ट्रैवल एक घंटे का है। तो अब खाना खा के हम फिर नीचे आएंगे और नीचे से और मैं दिखाती हूँ कि यहाँ से क्या क्या दिखता है। लेकिन आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत जगह है। और केन्या में मैंने बोला ना, ऐसी जगह बहुत सारी आपको दिखेगी, बहुत सारी जगह ऐसी अनलिमिटेड छोटी छोटी जगह, हर एक छोटी जगह खूबसूरत ही है। तो चलो और भी जाते हैं हम ऊपर। और ये केरियो व्यू होटल, यहाँ से आप देख सकते हो फॉरेनर्स भी है, अफ्रीकन्स है। और आपको दिखाऊँ यहाँ से व्यू, आप देख देख के खाना खा सकते हो। ये इंटीरियर पूरा किया है, आप देख सकते हो अफ्रीकन्स के कुछ स्कल्पचर्स रखे हैं यहाँ पे, पेंटिंग्स लगी है। यहाँ पे बड़ी सी ये चिमनी रखी है जो
जो को भी यहाँ पे नाइट आउट के लिए आप आ सकते हो, बैठ सकते हो वहाँ पे, और वहाँ पे आग जलती रहती है, सारा काम वुडन का है। और ऊपर भी जगह है, यहाँ पे रिसेप्शन है, वहाँ पे बार है। दिव्यांश, दिव्यांश, और यहाँ देखो सारे अफ्रीकन एनिमल्स किस कल्चर से यहाँ पे रखे हैं। और ऊपर से देखिए कितना सुंदर लगता है ये, सारे पेंटिंग्स, उसकी उसकी छत भी लकड़ी की है। और देखिए इस तरीके से ये होटल है, और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, देखिए। तो हम अभी नीचे बैठे हैं, दिव्यांश मायरा है, और हमने मंगाया है मसाला चिप्स दो और प्लेन चिप्स एक, ठीक है। और ये आ गया है पिज्ज़ा, दिव्यांश इतने पिज्जा जबरदस्त है, चिकन पिज्जा, चिकन पिज्जा ना, मस्त है। पिज्जा कैसा है? अरे वाह, पिज्जा आ रही है, आणि हे दोघे जण खातात, चित मजा आ गया। लेकिन ये अफ्रीकन बहुत ही प्यारे रहते हैं, और अपने बच्चों का हमारा भी ऐसे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ये लोग बुरे नहीं हैं। जितना हम इंडिया में सोचते कि अफ्रीकन बुरे हैं, मतलब नेचर वाइज, केयरिंग वाइज बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी दिव्यांश मारा को उधर ही रख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं नीचे, हम जा रहे हैं हाथी के पैर के नीचे। नहीं, पहले मगरमच्छ पे बैठेंगे। नाही, डोकं डोकं टाकायचं मध्ये, तोंडामध्ये डोकं टाकायचं, तोंडामध्ये डोकं टाका। इथे काही नाही, एवढंच आहे। अरे मी तर आलो मागच्या वर्षी कधी। वहाँ से हम अभी निकल रहे हैं, और
मतलब सुसाइड पॉइंट अभी जा रहे हैं। सुसाइड पॉइंट क्यों बोलते हैं, उधर शायद किसी ने सुसाइड किया था, आई डोंट नो क्या। अरे चुप ना, पहले दिखा तो दूँ आपको सुसाइड पॉइंट क्या है। देखिए और हर जगह यहाँ छोटे छोटे हट्स बनाए हैं। चला दिवेश ने बैग लगाई है, मस्त हल्की फुल्की है इसके लिए, लगा के घूम रहे वो। यहाँ पे भी सेम किया है बैठने के लिए उन्होंने, जिनको ज़्यादा प्राइवेसी की ज़रूरत है। और ये देखें, लेकिन ये इतना डरावना लग रहा है ना दिवेश, दिवेश सुसु गंदू। हड़ू हड़ू बेटा। देखिए आजू बाजू ये जंगल है। अरे मायू नो, अरे अरे दुखेल रे, हाथ हाथ दुखती। और इतनी ठंड है ना यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। लेकिन आप सोचो, अगर आपने होटल का वो रूम, वो कमरा अगर आपने बुक किया है, तो मॉर्निंग का जो व्यू है वो आपको स्ट्रेट उस तरफ दिखेगा। अच्छा शपथ दिव्यांश, दिव्यांश हळू हळू सुसाइड पॉइंट। अरे तू ये, और प्रदीप उधर बैठा है। हे चुप ना, अभी मैडम का फोटो शूट चल रहा है। फोटो शूट करते करते सीधा सुसाइड। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, चलो पोज दो अभी सामने देखो। अच्छा वापस। अब उस सुसाइड पॉइंट से हम आगे की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये लोग पता नहीं क्यों जा रहे हैं। और जंगल देखा आपने? देखिए आजू बाजू ये ऐसी पूरी घनी जाली है, मतलब झाड़ी। जंगल सफारी भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। डेड एंड थोड़ा था ना, और इसको बोलते हैं रॉबर्ट्स रॉक, डेंजर लिखा है उसमें। दीदी मतलब मजा आया था दीदी। तो आपने देखा ये केरियो व्यू, जो जगह है वो कितनी खूबसूरत है। और हमने यहाँ पे खाना खाया, व्यू को एंजॉय किया, पूरा व्यू मैंने आपको दिखाया। केन्या के ब्यूटीफुल प्लेसेस मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ व्लॉग्स में। ये व्लॉग आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ बाय। बाय। Thank you.